शैलेश मटियानी जी एक स्वाभिमानी लेखक थे। उन्होंने जितना जीवन भर में अपना संघर्ष किया, मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय में कोई भी लेखक ऐसा है जिसने जीवन में इतना संघर्ष किया हो। इसलिए मटियानी जी हमारे लिए सदैव संघर्ष के प्रतीक रहे। मेरा परिचय उनसे उनकी कहानियों के माध्यम से हुआ। मैं तब BSc में पढ़ रहा था और सन 60 का दशक था, शुरुआत ही थी। उस समय उनकी कुछ हमने कहानियां पढ़ी थी और उसके बाद उनकी मेरी 33 कहानियां उनका संकलन मिल गया, जिसमें 33 कहानियां थी। और खूबी यह थी कि उसमें 33 पृष्ठों की उनकी भूमिका भी थी, जो एक तरह से आत्म स्वीकृति जिसको कह सकते हैं, उन्होंने अपने बारे में लिखा था। उसको पढ़ना तब उस उम्र में बहुत भावुक कर गया। उसमें बीच बीच में सिसकते हुए, आंसू बहाते हुए वे तमाम बातें पढ़ी कि उनकी जीवन यात्रा कैसी रही है। तभी उनकी कहानियों के प्रति एक मोह पैदा हुआ। और वो समय ऐसा था कि जब मटियानी जी पहाड़ की पृष्ठभूमि पर कहानियां अधिक लिख रहे थे, वहां की गाथाओं के बारे में, वहां के जागरों के बारे में, और वहां के वे लोग जो सामान्यतः ये सैलानियों को जो दिखाई देते हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या रानीखेत, ऐसी जो पर्यटनों के लिए महत्वपूर्ण जगहें हैं, उनसे अलग दूर दराज गांव के लोग, वो लोग उनकी कहानियों के पात्र थे। और वो वर्ग था जिन पर तब तक शायद दृष्टि नहीं पड़ी थी। पहाड़ की पृष्ठभूमि में जो कहानियां लिखी जाती थी वो कुछ अलग किस्म की होती थी, लेकिन वो गांव से आए थे। मैं जब भी पिथौरागढ़ की ओर जाता हूं अल्मोड़ा से, तो चितई के मंदिर से आगे जाने पर धीरे धीरे जब बढ़ते हैं तो बाड़े छीना एक जगह आती है, पहाड़ी पर ही उसमें लिखा हुआ दिखाई देता है बाड़े छीना। तो बाड़े छीना गांव वहां बगल में उधर होगा, तो सदैव मन ही मन वहां पे प्रणाम करता हूँ उस भूमि को जिसने इस महान कथा शिल्पी को जन्म दिया, क्योंकि बाड़े छीना गांव में उनका जन्म हुआ था। वहां से मटियानी जी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के बाद अल्मोड़ा रामजी कॉलेज तक आए। वहां पढ़ने के लिए जब वो आए तो मेरी 33 कहानियों में उन्होंने लिखा हुआ था कि उसकी सीढ़ियों पर बैठकर मैं सपने बुना करता था, मैं सपने देखता था, मैं क्या क्या करूंगा, मैं अपनी बहन की शादी कितनी धूमधाम से करूंगा, मैं कितनी भैंसे उसको और कितनी गायें, उनका बागुड़ होगा और उसमें मैं इतनी वो दान करूंगा, अपने भाई की शादी में किस तरह से, कितनी धूमधाम से उसकी भी शादी करूंगा, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा। ये तमाम तरह की चीजें उनके मन में थी। उन दिनों चूंकि पशुपालन भी काफी होता था, खेती, कृषि, पशुपालन, ये सब कुछ मुख्य व्यवसाय था पहाड़ में, तो सपने उसी के देखे जाते थे। और जब चूंकि रामजी इंटर कॉलेज में पढ़ने आ गए थे तो फिर वहां के सपने देखे वहां से। लेकिन एक चीज उनके मन में थी कि मुझे लेखक बनना है। वो कहानियां लिखने लगे थे और वो जो कुछ देखते थे उसको, उस सच को सामने लाना चाहते थे, वो पाठकों को, आम लोगों को बताना चाहते थे कि पहाड़ का जीवन कितना विकट है, कितना कठिन है, लोगों के मनोविज्ञान पर, समाज की स्थिति पर, वर्ग भेद पर, और तो तमाम तरह की चीजों पर उनका ध्यान गया। खैर, जब वो वहां सीढ़ियों पर बैठे रामजी इंटर कॉलेज की, सोचा करते होंगे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन कुछ घरेलू परिस्थितियां ऐसी थी, जिस तरह वो एक बकरे का मांस बेचने वाली दुकान में चाचा के वहां पे काम करते थे, तो उनका मन नहीं लगा और अंततः वो एक घी की कनस्तरी उसको उठा करके अपना सीधे अपना जीवन बनाने के लिए पहाड़ से चले आए।
उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कहाँ जाना है। वो उसी से कुछ पैसे मिले होंगे उन्हें घी बेच करके, और उसके बाद वो इलाहाबाद पहुंचे। इलाहाबाद में कई लेखकों से उन्होंने संपर्क किया, सुंदरानंदन पंत जी से भी, इलाजन जोशी जी और अन्य लोगों से मिले। लेकिन अन्य वहाँ के जो लोग थे, जो जो देश के ही माने मैदान के, उन लोगों से उन्हें बड़ा सहारा मिला। और उन लोगों ने उन्हें बताया कि तुम जीवन में क्या कर सकते हो। उन्होंने बताया कि मैं इसके पर लिखना चाहता हूँ। वहां से फिर वो कुछ समय के बाद बंबई चले गए, और बंबई में उनके जीवन का असली संघर्ष शुरू हुआ। और वहां उन्होंने बोरीवली से बोरी बंदर और कुछ तमाम कहानियां, जो बहुत चर्चित कहानियां हैं, वो लिखी वहां पर। फिर वो लौट कर आए, वो इलाहाबाद में रहे, और अंत में वो हल्द्वानी चले आए थे। इस बीच बहुत संघर्ष रहा, बहुत संघर्ष, अकल्पनीय संघर्ष। एक व्यक्ति के लिए जिसका आर्थिक आधार कुछ न हो, जिसकी इनकम का कोई एक नियमित स्रोत न हो, वो किस तरह एक टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे एक बहुत विशाल संस्थान से, उसके खिलाफ जो है हाई कोर्ट में और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ते हैं सच के लिए, क्योंकि वो स्वाभिमानी थे और लोगों ने उनका साथ दिया। उनकी जो अर्जियां थी उनको बनाने में, अंग्रेजी में पूरा अपील करने के लिए, वो सब चीजें होती थी। और वो बताया करते थे किस तरह, वो एक बड़ा मजेदार बात बताते थे कि इलाहाबाद में जब हाई कोर्ट में उनसे पूछा, जज महोदय ने पूछा कि कोई राजनीतिक उसमें आप क्या आप जुड़े हुए थे और क्या उनके प्रचार में आप वहां अमेठी गए थे, तो उन्होंने कहा कि वो संजय गांधी से संबंधित बात थी। उन्होंने कहा संजय गांधी तो संजय गांधी, कहने लगे रुबेन। मैंने कहा संजय गांधी तो संजय गांधी, मैं अगर महात्मा गांधी भी चुनाव लड़ रहे होते तो मेरा कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि मैं राजनीति में मेरी कोई रुचि नहीं है। इस तरह का उनका स्वाभिमान था, क्योंकि उनका संकल्प था मुझे लेखक बनना है। और बंबई में ऐसी स्थिति आई जहां उन्हें कूड़े में से तक रोटी उठाकर, वो खाने के लिए तैयार हुए तब तक एक कुत्ता आ गया और वो झपटने लगा उसमें से। तब वो कहते थे कि मैंने उस दिन एक बार अपने जीवन का जो सबसे बड़ा संकल्प है, जो भीष्म प्रतिज्ञा है, वो ली कि मुझे सिर्फ जीवन में लेखक बनना है। और वो लिखते रहे। उन्होंने बंबई के एक रेस्टोरेंट में नौकरी की, बर्तन धोते थे, चाय देते थे लोगों को, यहाँ से सब शुरुआत की। लेकिन मजे की बात यह है कि तब भी उनकी कहानियां धर्मियों में छपा करती थी। बताइए, एक जुनून था लिखने का, और काम में कुछ भी करूंगा लेकिन मुझे बनना तो लेखक है। इस तरह का एक संघर्षमय जीवन मटियानी जी का रहा। जब मैं चिट्ठियां लिखा करता था उनको, उनकी कहानियां पढ़ के, तो वो उनकी एक आदत बहुत अच्छी थी कि चिट्ठियों का जवाब जरूर देते थे। उन्होंने एक बार एक चिट्ठी लिखी, मुझे भेजी मेरी चिट्ठी के जवाब में, और उसमें लिखा था कि देवेंद्र, जीवन में सदैव किसी पेड़ की तरफ बढ़ने की कोशिश करना जो अपनी जड़ों पर खड़ा रहता है, उस बेल की तरह नहीं जो किसी सहारे से खड़ी रहती है और आंधी या तूफान आने पर उसी के झोंकों के साथ वो धराशायी हो जाती है। पेड़ अपनी जड़ों पर खड़ा रहता है। ये बहुत बड़ा एक जीवन के लिए ऐसा सूत्र मुझे मिला और मैंने पालन किया उसका, और मैं जीवन भर इस सूत्र को नहीं भूल सकता। मेरे लिए एक मार्गदर्शक सूत्र है। भेंट मेरी उनसे सबसे पहले दिल्ली में हुई। मेरी नौकरी लग गई थी, मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे आमतौर पर पूसा इंस्टीट्यूट कहा जाता है और देश का शीर्षस्थ कृषि अनुसंधान संस्थान है, वहां नौकरी लगी थी। तो मैं वहां था, और एक बार मुझे अचानक बहुत खुशी हुई जब देखा कि टीन का बक्सा लेकर के वो जो है अपने लदे पदे चले आ रहे हैं मटियानी जी, और वो ऑटो में से उतरे और वो कहने लगे कि मैं बम्बई जा रहा था, सोचा कि 2-4 दिन तुम्हारे पास होकर चलता हूँ, तुम्हारे पास रुक के चलूंगा। मैंने कहा भाई साहब, ये तो बहुत अच्छा किया आपने, आप आइए। हम लोग भी उन दिनों, एक मेरा और साथी था, एक कमरा था, तो उन्होंने बक्सा खोला, किनारे लगाया और उसके बाद दरी निकाली, और उसके बाद जो है वहाँ उन्होंने अपना बिस्तर बिस्तर बिछाया। कहने लगे मैं जमीन पर ही सोता हूँ, चारपाइयों पर तुम लोग सो, मैं यहाँ नीचे जमीन पर सोऊंगा।
अब हमें बहुत ही संकोच होता था कि इतना बड़ा लेखक, इतने बड़े लेखक से कैसे कहे कि आप जाए भाई पैसोइए जमीन में, हम सो जाएंगे। हमने कोशिश भी की, लेकिन वो कहेंगे नहीं, मुझे तो यही आराम मिलता है। वो वहां आ गए तो हमारे पास तो सिर्फ एक बत्ती वाला स्टोव होता था, उस पर चाय बना के, पैन था, अपना चाय का सामान था, चाय बनाते थे और चाय पीकर जो है सुबह फिर वो निकल जाते थे। दिल्ली में तमाम जगहों पर मुझे जाना है बताते थे उसमें, और दिन भर पता नहीं कितना वो चलते थे, पैदल बहुत ज्यादा चलते थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि वो लगातार टैक्सी ऑटो या ऐसे ले सके, तो पैदल बहुत चलना पड़ता था। शाम को जब आते थे वो पता नहीं कहाँ खाना खा के आ जाते थे, हालांकि मैंने कहा कि मेरा होटल है जिसमें मेरा रोज का खाना चलता है, तो आप वहाँ जब भी आपको लगे वहाँ, मैंने परिचय भी करा दिया था, मैंने कहा आप वहाँ खाना खा के आइए, लेकिन वो अक्सर खाना खा के ही आते थे। और आकर के वो बुरी तरह थके रहते थे, तब कहते थे कि देवेन तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरा एक काम कर सकते हो। मैंने कहा भाई साहब बताइए ना क्या क्या काम है। बस काम इतना सा है कि मैं ये जमीन पर इस पर लेट रहा हूँ अपने बिस्तर में, और तुम पीछे पैरों से लेकर लगातार अपने पैरों से मेरे पैरों को दबाते हुए मेरी पीठ से होते मेरी गर्दन तक चलोगे। मैं तो बहुत एकदम से झिझका भी और संकोच भी। मैंने कहा आप इतने बड़े लेखक और बड़े भाई, मैं कैसे आपके शरीर पर पैदल चल सकता हूँ। अरे नहीं छोटा भाई, क्यों नहीं चलेगा, तुम चल के तो देखो। और उन्होंने मुझे मजबूर किया, उन्होंने कहा कि नहीं तुम चलो, तो मेरे पैरों में बहुत दर्द है, तो मैं थक थक गया हूँ बुरी तरह से। तो मैं उनके एड़ियों से लेकर के उनकी पंडलियों पर पैर रखता हुआ दबाता हुआ चलता था। वो कहने लगे एक काम करेंगे ना, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, मैं कुछ बातें सुनाऊंगा तुम्हें ना, अपने बम्बई के अनुभव सुनाऊंगा, और तुम ऐसे चलते ही रहो, मैं तुम्हें सुनाता। मैंने कहा अच्छा बताइएगा। वो कहने लगे मैं तुम्हें एक ऐसी फिल्म की कहानी सुनाता हूँ जिसके लिए मुझे कुछ एडवांस भी मिल गया था, पैसे भी मिल गए थे, पैसे तो खर्च हो गए, लेकिन वो कहानी फिल्म की पटकथा जो है वो तो तब तक बनी नहीं थी। और फिर मैं वहां से चला आया, मैं तो इलाहाबाद चला आया, लेकिन प्रोड्यूसर को अगर अभी भी जरूरत होगी वो कहेगा तो मैं लिख दूंगा, लेकिन वो पैसे तो खर्च हो चुके। और वो फिल्म क्या थी पता है, वो बड़ी मजेदार फिल्म थी। मेरे जो शुरुआती पहाड़ के जो उपन्यास हैं उनमें से ही मैंने उसका फिल्म का की कहानी का कथानक जो है ना वो वहां से लिया। होता क्या है पता है, उसमें जो एक मंदिर है बहुत बड़ा, मुझे याद आया उनके गांव की ओर जाने में चितई का मंदिर पड़ता है जो है, वहाँ घंटियां चढ़ाई जाती हैं बड़ी बड़ी, छोटी छोटी से लेके बहुत बड़े विशाल घंटे तक वहाँ चढ़ाए जाते हैं। तो कहने लगे कि वो मंदिर में घंटियां लगी हुई हैं, और एक फौजी जो है वो फौज से आता है और आकर वो चल रहा है, जरा कल्पना करो वो चल रहा है, उसके बूटों से वहाँ पथरीली जमीन है, कचरा 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 इस तरह से वो चला आ रहा है, रोड़ियाँ उसके बूटों से पिस गई हैं, और आकर के सामने आता है और वहाँ पर दो खंभों पर एक बहुत बड़ा घंटा टंगा हुआ है। वो उस घंटे को देखता है, उस पर लिखा हुआ है यह घंटा इस मंदिर को ठाकुर श्री रणजीत सिंह और ग्राम इतने इतने ने चढ़ाया, और इस तरह से लिखा हुआ है कुछ उसमें। और वो देखने के बाद, क्योंकि उसका संबंध है उससे, उसके बाद वो उसका जो उसका राला कहलाता है वो नीचे को जो लटका हुआ, मैंने कहा जी मैं जानता हूँ, उसको पकड़ के उसको हिलाता है, टन 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 आवाजें आती है, और उसके साथ ही फिल्म का नाम आता है। उसके बाद उसमें उसके जो अभिनेता हैं उनका नाम आता है और डायरेक्टर का नाम आता है वगैरह वगैरह, वो जितने जितने नाम हैं वो सब उस टन 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 के साथ आते हैं, और फिल्म शुरू होती है। और फिल्म शुरू होती है पता है, ये ऊपर चोटी की ओर से हम देख रहे हैं, और नीचे सेरा जो है, सेरा जो मैदानी खेत हैं उनके किनारे नदी बह रही है और एक सेरा है, और सेरे में पता है मडवे की फसल तैयार है, और वहाँ
ज्वार की फसल तैयार है, बाजरा, ये खरीफ की फसलें तैयार हैं, पक गई बालियां, मंडुआ की जो है मुट्ठियों की तरह की बालियां, फसल पूरी तैयार है। और तो उसमें, और बस यहीं पे गीत शुरू होता है, पता, मडुआ बाला टिप देना कन मदरा बाला टिप, ये टेक है, इसी लाइन पर पूरा गीत फिर बनेगा। मडुआ बाला टिप देना कन मदरा बाला टिप, ये कहती है, और हीरोइन आ करके उसके बाद जो है उसके हाथ में दराती है, और वो मडुए की बालियां टिप रही है, उनको काट रही है, लवा रही है, ये इस तरह से शुरू होता है सारा। और वो फिर इसमें, और वो कहानी सुनाते चले गए, वो इतनी मजेदार कहानी सारी। मैंने कहा भाई साहब, ये तो कहानी पूरी तैयार है, तो फिर आपने लिख के दी क्यों नहीं उनको? कहने लगे, मैं असल में दूसरे कामों में लग गया था, मैं तो जो लिखता हूँ रोज जो है, जो मजदूरी की उससे ही मेरा काम चलता है, जो लिखा उसको प्रकाशक को किताब दे दी, उसने पैसे दे दिए, कहानी लिखी पत्रिका को दे दी, पारिश्रमिक मिल गया, इस तरह से। मैंने कहा लेकिन पारिश्रमिक तो सुना है जब आपको, या किताब कहीं पर रॉयल्टी पे आपने, तो कहने लगे मुझे पैसे की जरूरत होती है, रॉयल्टी कौन देगा और कब तक उसको मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा, उसमें तो ये है कि एक मुश्त मुझे पैसे दे दे। तो मैंने सुना है जब एक मुश्त पैसे मिलते हैं तो आप बड़े खुश होकर के तमाम मांग्स लाते हैं, और बच्चों के लिए जूते कपड़े और ये सब। तो कहने लगे हाँ मैं लाता हूँ। मैंने कहा लेकिन मैंने तो ये सुना है कि जैसे जूते तो एक एक जोड़ी के बजाय जो है आप दो दो जोड़ी ले आ रहे हैं, कपड़े भी मतलब बजाय एक सेट के आप दो दो तीन तीन इस तरह, क्योंकि पैसे हैं तो उसमें वो सब आप जो है लेकर के लदे पदे सुनाए घर आते हैं। कह लगे एक बात बताऊं तुमको, ऐसा है कि बचपन की एक भूख होती है, कभी जीवन में किसी व्यक्ति की वो भूख खत्म नहीं होती, बचपन की भूख जीवन भर बनी रहती है। जो अभाव होते हैं ना, जो अभाव है वो अभाव हमारे जीवन में सदैव बने रहते हैं, पूरा ही नहीं होता, बाद भी जीवन में भले ही कुछ मिल जाए लेकिन बचपन जो है अभावों में बीता नहीं। तो इसलिए एक मनोविज्ञान होता है, और उस मनोविज्ञान के कारण मुझे भी लगता है जब मेरे पास खूब सारे पैसे हैं तो फिर मैं सब कुछ ले आऊं, मैं बच्चों के लिए ये ला सकता हूँ, मैं वो ला सकता हूँ, मैं बढ़िया, मुझे मांस पसंद है इसलिए मैं बढ़िया किस्म का गोश्त लाता हूँ और खुद बनाता हूँ, और पूरा परिवार खाता है और बड़ा खुश होता है उसको। ये बात उन्होंने बताई थी, और इसमें दर्द भी था, और इसमें मजबूरी भी थी, इसमें आर्थिक स्थिति की भी बात थी, क्या कहता है इसमें। इसके अलावा वो बताया करते थे, जैसे दिल्ली में एक बार आए, हाँ एक बार आए, कहने लगे कि थोड़ा सा चोट लग गई, डिटॉल वगैरह है? तो मैंने कहा डिटॉल है कि ये कैसे, परोंच कैसे लगी एकदम? अरे रिक्शा पलट गया, रिक्शे में आ रहा था। रिक्शा पलट गया क्यों, उसने ढंग से नहीं चलाया? नहीं, वो तो बहुत अच्छी तरह चला रहा था, असल में अंसारी रोड में ना जहाँ सारे प्रकाशक हैं वहां जो है वो चला आ रहा था, भीड़ होती है, सारी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं लोग, तो बीच में से वो निकाल रहा था, वो तो ठीक आ रहा था, लेकिन एक गाड़ी वाला आ गया, उसने थोड़ा सा उस पर टक्कर लगा दी और रिक्शा पलट गया और हम गिर गए। तो लेकिन राजेंद्र यादव मानने को तैयार नहीं, राजेंद्र यादव वही जो है हंस का कार्यालय। मैंने कहा क्या राजेंद्र यादव भी बैठे हुए थे उसमें? कहने लगे नहीं नहीं राजेंद्र यादव नहीं थे। तो फिर मैंने कहा उन्हें कैसे पता? कर लगे मैंने बताया कि रिक्शा वाला जो है ऐसे रिक्शा पलट गया था बेचारा का उसमें से। वो कहने लगे नहीं रिक्शे वाले की गलती है। मैंने कहा, कहने लगे कि रिक्शे वाले की क्या गलती है इसमें, रिक्शे वाले की तो कोई गलती नहीं, मैं बैठा था मैं देख रहा हूँ। राजेंद्र यादव अड़ गए कि नहीं रिक्शे वाले की गलती है। मुझे कह रहे हैं कि जब तुम वहां थे ही नहीं और मेरे साथ नहीं थे तो आपको कैसे पता राजेंद्र जी कि मतलब जो है गलती रिक्शे वाले की? कह लगे रिक्शे वाले की गलती है क्योंकि उसने इतने लहीम शहीम ट्रक की सवारी को रिक्शे में बैठाया है क्यों? और हंसने लगे, कहने लगे कि वो मुझे ट्रक की सवारी बता रहे थे। मैंने कहा कि ये तो बड़ी मजेदार बात है इसमें। और इस तरह की वो किस्से सुनाया करते थे। और उसके अलावा जो है एक बार उन्होंने बड़ा मार्मिक किस्सा सुना, वो मार्मिक किस्सा ये था कि कहने लगे कि मैं एक बार बनारस गया था, बनारस गया और बनारस में मैंने जिंदगी और मौत को एक साथ देखा, बहुत मार्मिक दृश्य था,
अब भी याद आता है तो ना मैं विचलित हो जाता हूँ, मैं असहज हो जाता हूँ। मैंने कहा ऐसा क्या देखा आप? कहने लगे कि भीड़ में सब चले जा रहे हैं, उसी में बैल सांड वो भी चल रहे हैं, रिक्शा टन 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 घंटी बज रही है, कार वाला पैं 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 वो भी कर रहा है, पैदल भी चल रहे हैं, हर आदमी अपने में व्यस्त जो है, एक भीड़ चली जा रही है। और उसी भीड़ में एक आदमी साइकिल के कैरियर पर एक शव बांध के जा रहा है। वो आदमी जिंदा रहा होगा पहले, उसका साथी रहा होगा, उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उसके पास कुछ नहीं था, उसने उसको कपड़े में लपेटा और लपेट के उसके पास और कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए अपना कोई मिला भी नहीं होगा कि उस शव को साथ लेकर के घाट तक जा सकें। तो वो साइकिल के कैरियर में उसको अच्छी तरह बांध करके चला जा रहा था, तो उसी भीड़ में एक साइकिल चल रही है और उसमें एक शव चल रहा है साइकिल के कैरियर। बहुत दुख हुआ, कहने लगे मुझे पता नहीं उसको घाट पर जाकर उसको अग्नि देने के लिए भी, उसकी चिता जलाने के लिए भी शायद उसके पास पैसे रहे होंगे या नहीं, या हो सकता है उसने गंगा में शव वैसे ही प्रवाहित कर दिया हो। लेकिन वो एक ऐसा दृश्य था कि एक मनुष्य जो कल तक जी रहा था, जिसके लिए पूरी दुनिया थी, जिसके लिए इस सारी दुनिया के लोग थे, उसके आसपास के लोग थे, पड़ोसी थे, दोस्त थे, तमाम जाने कौन कौन थे, और अचानक वो कुछ भी नहीं रहा, वो कुछ भी नहीं रहा, केवल एक उसका साथी वो साइकिल पर उसके शव को ढो करके चला जा रहा है। बहुत दुखद था, बहुत ही दुखद वो दृश्य मैंने देखा था। और स्वाभिमानी ऐसे था ना, एक बार कहने लगे कि मैं पता है कुछ 5,000 या 10,000 का कुछ बताया था उन्होंने, एक चेक आया था वहां इलाहाबाद में, मैं चलने लगा दिल्ली के लिए तो वो आया और उसमें लिखा हुआ था, चिट्ठी खोली तो मुख्यमंत्री के यहाँ से चिट्ठी थी कि महोदय हम अपने प्रदेश के आर्थिक रूप से पीड़ित लेखकों को वित्तीय सहायता देना चाहते हैं, हमें ज्ञात हुआ है कि आप भी आर्थिक रूप से पीड़ित लेखकों की श्रेणी में हैं, इसलिए आपको ये 5,000 रुपये का चेक वित्तीय सहायता के रूप में भेजा जा रहा है। मैंने कहा फिर आपने क्या किया उसमें? मैंने फौरन उसके उत्तर में चिट्ठी लिखी करने लगे और उसको चिट्ठी को लिया और मैं मुख्यमंत्री को वापस डाक से भेज रहा। मैंने कहा आपने क्या लिखा? कहने लगे मैंने लिखा कि मैंने आज तक सूखा ग्रस्त, बाढ़ ग्रस्त, ये सब तो नाम सुने थे, लेकिन एक लेखक जो है वो आर्थिक रूप से पीड़ित, इस तरह का मतलब ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था कि ये आर्थिक सहायता ऐसे लोगों को जो कि जो लेखक जो है आर्थिक अभाव से ग्रस्त है उसको भी इसी में गिना जा रहा है। तो मैंने समझा कि उनको लिखा कर रहे मुख्यमंत्री, उस समय बहुगुणा जी थे, तो मैंने लिखा कि महोदय जिसको मेरी आर्थिक अभाव की स्थिति आप समझ रहे हैं, असल में वो मेरे द्वारा स्वयं बनाई हुई स्थिति है, उसी स्थिति में रह करके मैं अपना लेखन कर सकता हूं, मेरी जरूरत है, मेरी आवश्यकता है, मैं उसी परिस्थिति में रह करके लिख सकता हूं और लिख रहा हूं, मैं इतना जो अपना साहित्य रच रहा हूं उसके लिए वो अभावों की स्थिति मेरी स्वयं की तैयार की हुई है, इसलिए जो स्थिति मैंने अपने रचनात्मक काम के लिए तैयार की है उसमें एक आर्थिक वित्तीय, एक वित्तीय सहायता देकर मेरी स्थिति को समाप्त करने का मुझे यह विचार उचित नहीं लग रहा है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको यह राशि लौटा रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी अभावों की स्थिति को किसी तरह से कोई उसको दूर करें करके, इस तरह का मतलब जो है वो 5,000 रुपये है भी उनके पास, जबकि हो सकता है शाम के खाने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं, ये हो सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ था एक बार, क्योंकि एक एक पत्रिका से उनको पारिश्रमिक आया और पारिश्रमिक देखते ही वो भड़क गए, वो कहने लगे कि मुझसे बात तो कुछ और हुई थी, शायद माना 200 की बात हुई थी तो उसमें 100 ही या 150 ही रुपए का था। तो उन्होंने कहा ये तो गलत बात है, अगर मुझसे वो ये कहते कि मुझे कहानी चाहिए लेकिन पारिश्रमिक हम नहीं दे पाएंगे तब भी मैं कहानी दे देता,
लेकिन ये कह करके कि हम आपको 200 रुपये पारिश्रमिक देंगे और उसके बाद कहानी ले रहे हैं, और फिर जब पारिश्रमिक दे रहे हैं तो ये, तो मैंने कहा फिर आपने क्या कहने लगे, मैंने फोन किया कि ये पारिश्रमिक तो आपने 200 कहा था, ये 100 रुपया क्यों भेजा होगा। कहने लगे कि वो हमारी संस्था के नियमों के अनुसार यही पारिश्रमिक मिल सकता है। तो कह रहे हैं, मैंने कहा कि लेकिन आपने मुझसे क्यों कहा, फिर आप कहते कि मेरी संस्था पारिश्रमिक दे ही नहीं सकती तो मैं वैसे दे देता। कह रहे नहीं, ये तो अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, ये ऐसे ही इतना ही मिल सकता है। तो उन्होंने उस संस्थान के जो मालिक थे उनको एक चिट्ठी के साथ वो चेक लौटा दिया और उनको कहा कि इसको अपनी दान राशि में शामिल कर लीजिए, क्योंकि मुझसे 200 रुपये के लिए कहा गया था और कहानी ली गई थी और ये वायदा खिलाफी है और ये बात मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए इसे अपने दान खाते में डाल लीजिए और ये दान में दे दीजिए किसी को भी। और सच्चाई यह है, कहने लगे उस दिन बच्ची बीमार थी, बेटी बीमार थी बुरी तरह से, तो उसके लिए दवा की जरूरत थी, दवा के लिए पैसे नहीं थे। तो वो उसमें स्वरूप ढोंडियाल उनके मित्र थे, उनके पास रह रहे थे। कहने लगे कि वहां रद्दी अखबार काफी पड़ा हुआ था, तो हम दोनों ने जा करके कबाड़ी को रद्दी अखबार दिया, उसको बेचा, उसमें से जो पैसे मिले उस पैसे से बच्चे के लिए दवाई ली। ये परिस्थिति रहती थी। तो इस तरह वो एक जीवन भर संघर्ष करने वाले एक जुझारू जो है वो साहित्यकार थे, और स्वाभिमान इतना अधिक था कि वो गलत बात को कभी स्वीकार नहीं करते थे और अपने ही दम पर वो जीवन भर मत्स्यजीवी रहे। उन्होंने नौकरी के लिए अगर कहीं से आया भी उनके पास कोई प्रस्ताव, उन्होंने नौकरी स्वीकार नहीं की, उन्होंने अपने बलबूते पर अपने लेखन के बल पर अपना जीवन बिताया। और परिवार ठीक है, परिवार को भी जितना कर सकते थे उन्होंने परिवार के लिए किया, और वही उनकी सबसे बड़ी फिक्र भी रहती थी। और जैसे कि राजेंद्र यादव कहा करते थे, उन्होंने कहीं लिखा है कि शैलेश मटियानी के पास कम से कम 10-11 ऐसी कहानियां थी जिनको अंतरराष्ट्रीय कहानियां कहा जा सकता है, जबकि हिंदी के शीर्षस्थ कथाकार जो हैं उनकी भी मुश्किल से 2-3 कहानियां अंतरराष्ट्रीय स्तर की हैं। इतना मतलब उनके लेखन को महत्व देते थे, और साथ में ये भी कहते थे कि असल में ये तो भारत का गोरकी बनते बनते रह गए। वो महसूस करते थे राजेंद्र यादव कि शैलेश मटियानी जी को वो ड्यू नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। जितना उनका साहित्य में योगदान है, उस योगदान के लिए उनका जितना मूल्यांकन होना चाहिए था और जो उनको एक पहचान हिंदी साहित्य में जितनी मिलनी चाहिए थी, उसके कारण जो भी रहे हो, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल सके। उनके साथ न्याय होना चाहिए और उन पर शोध कार्य होना चाहिए। शैलेश मटियानी जी को, ये हम लोगों का नई पीढ़ी का काम है कि हम मटियानी जी के साहित्य पर शोध करें और उनका अधिक से अधिक उनके कथा साहित्य को, उनके उपन्यासों को, उनकी कहानियों को किसी भी तरह किसी भी माध्यम से अधिक आम लोगों तक पहुंचाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे, विभिन्न भाषाओं में उनकी कहानियों का अनुवाद हो, उनके उपन्यासों का अनुवाद हो, ये बेहद जरूरी है, और तभी जाकर उस महान कथा शिल्पी के साथ न्याय हो सकेगा। बस मैं चंद संस्मरणों के साथ सिर्फ इतनी ही बात करना चाहता हूं, और बहुत धन्यवाद।